भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बिजली संकट के लिए बिजली कंपनियों की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए बिजली संकट के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली खरीद और कोयला खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगस्त 2021 के बाद लगातार राजस्थान में बिजली की कटौती है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर 5,000 से 20,000 का अतिरिक्त बिल आ रहा है, कोयले के खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है, बिजली की खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रंकी प्रोजेक्ट में कनेक्शन के नाम पर लूट हो रही है। पिछले 3 महीनों से लगातार हर उपभोक्ता के पास 5,000 से लेकर 20,000 तक एडिशनल सिक्योरिटी का अब बिल आ रहा है, जिनके कनेक्शन 20-30 साल पुराने, उनके पास भी बिल भेजकर ये उपभोक्ताओं पर लूट का काम ये डिस्कॉम्स कर रहे हैं। डिस्कॉम अपनी गलत नीतियों के कारण से महंगी बिजली खरीद रहे हैं, महंगा कोयला खरीद रहे हैं, और जिसका खामियाना आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है। अंधेरी नगरी चौपड़ राजा राजस्थान में साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, राजस्थान की सरकार वर्तमान 2018 के चुनाव के अंदर जनता से इस बात का वादा किया था कि बिजली की दरों के अंदर एक पैसे की बढ़ोतरी भी हम नहीं करेंगे, लेकिन आज राजस्थान की जनता अपने आप से ठगा सा महसूस कर रही है। पिछले 4 सालों के अंदर एक बार नहीं अनेकों बार बिजली की दरों के अंदर वृद्धि करने का काम किया है, चाहे वो अतिरिक्त चार्ज के रूप में हो, चाहे फ्यूल चार्ज के रूप में हो, चाहे प्रतिभूति राशि के रूप में हो। और अब तो सरकार लेकिन एक अच्छा काम कर रही है, और अच्छा काम सरकार ये कर रही है कि बिजली के बिलों के ऊपर मुख्यमंत्री जी की फोटो भेज रही है, तो जनता ये समझ रही है कि बिजली की दरों की बढ़ोतरी करने वाला यही व्यक्ति है। तो आने वाले समय के अंदर ब्याज सहित जनता वसूल भी कर लेगी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मतदान की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो मतदान का जब समय आएगा उस समय जनता इनको जवाब भी देगी। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि राज्य सरकार आम उपभोक्ता तक सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश के लंपी बीमारी प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र की नई गाइडलाइन जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बिजली संकट के लिए बिजली कंपनियों की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य सरकार आम उपभोक्ता तक सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। संकट है कोयले का देश में, तो संकट को दूर करने के लिए वो पूरा प्रयास करके हमारी मदद करें। छत्तीसगढ़ सरकार से तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बात कर लेंगे और बात करके रास्ता भी निकाल लेंगे, लेकिन ये तय बात है, ये जो कोयले का संकट है पूरे भारत पर है, पूरे देश में है, ये राजस्थान का अकेले का संकट नहीं है। इस संकट के लिए भी मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में बिजली का संकट यदि कोयले के कारण आएगा उसमें सरकार कोई कमी नहीं रखेगी, संकट नहीं आने देगी।